पाउच में है, देखिए पाउच में है, थैले में 100 पीस का थैला है, 100 पीस का थैला कितने का होता है सर? और इससे जो है बेचने 200 पीस करने वाला बड़ा है, क्योंकि गुलाब गुलाब से ये केजी मिल जाता है ना, कमाल का है। 900 रुपए दर्जन। और ये कितने का है, कितने का सर ये? ठीक है तो बात तो देख सकते हैं जैसा कि सबसे सस्ता में है, किस तरीके का है, मैं थोड़ा सा जो है आपको करीब से यहाँ पे दिखाऊं तो देखिए ये छोटे छोटे जो है पिचकारी है, जो कि बच्चों के लिए, 3-4 साल के बच्चे के लिए ना। हाँ जी, 3-4 साल में कई, इसमें 2-3 तरह की जो ना, इसी के अंदर जो ना 2-3 तरह की जो ना। ओके, और ये कितने रुपए पर पीस है सर? अगर बात करें ये पर पीस जो ना 2.25 रुपए पर पीस, 2.25 रुपए सोच सकते हैं कितना सस्ता है। देख सकते हैं इससे ये ऊपर का है, ठीक है, रेंज और सुसु बॉय के नाम से फेमस है ये। ओके ठीक है, कितने रुपए पर पीस है सर ये? ये 3.25 रुपए पर पीस, 3.25 रुपए पर पीस है। हाँ जी। और ये कितने का पैकेट आता है सर? ये इसमें से पीस में आता है, ये पैकेट में, मतलब पैकेट आप जितना चाहो ले सकते हो। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा पैकेट है और ये अगला रेंज है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे किस तरीके का है। ओके, ये 50 पीस का पैकेट है, 50 पीस का पैकेट है। हाँ जी। कितने रुपए पीस है सर ये? ये 3.75 रुपए 3.75 रुपए है। हाँ जी। ठीक है, और इसे मार्केट में कितने में सेल कर सकते हैं सर? मार्केट में नॉर्मली जो ना 6-7 रुपए 8 रुपए तक तो जो ना 10 में भी बिक्री कर देते, 6-7 रुपए तक तो आराम से सेल हो जाता है, सेल हो जाता है। 156 रुपए दर्जन है, 156 रुपए दर्जन। कितने रुपए पीस पड़ेगा? 13 रुपए पीस पड़ जाएगा, 13 रुपए प्रति पीस पड़ने वाला। ये बहुत फेमस है, ये सब जो है हमारे जुग से चला आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे जो है पिचकारी के डिजाइन वगैरह लगाए गए हैं। ये कितने रुपए पीस है सर? 15 रुपए पीस, 180 रुपए दर्जन है, ठीक है। देख सकते हैं कुछ इस तरीके का है, और यहाँ पे ना आपको बहुत सारे डिजाइन मिल जाएंगे, ठीक है। एक हमें ये दिखाइए सर, ये वाला जो है ये काफी फेमस है, ये भी, और ये सेम जो पहले था उसी रेट में। कितने का ये भी सर? 144 रुपए दर्जन, 144 रुपए दर्जन, यानी कि 12 रुपए पीस। हाँ जी, ठीक है, 12 रुपए प्रति पीस पड़ने वाला है। और हम यहाँ पे बढ़ते हैं तो ये देखिए एक कलरफुल जो है यहाँ पे, इसका क्या रेट पड़ जाता है सर? सेम रेट में ये। ओके, ये सेम रेट में है ये 12 रुपए का, ठीक है, देख सकते हैं। बढ़ते हैं यहाँ से आगे की तरफ, तो यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। आगे आ जाओ, पिचकारी, ये मोबाइल पिचकारी के बारे में सर थोड़ा बताएं। और ये मोबाइल ₹156 दर्जन, 156 रुपए दर्जन, देख सकते हैं अजीब अजीब जो है यहाँ पे आपको पिचकारी मिलने वाले हैं। देख सकते हैं अभी अगला है बोतल वाली पिचकारी, 168 रुपए दर्जन, 14 रुपए। कितने रुपए पीस हो गए सर? 14 रुपए पीस, 14 रुपए पीस हो गए, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, कुछ अलग दिखाइए सर, थोड़ा सा जो है थोड़ा सा इसमें आप डाउन रेंज में आ जाइए। देखिए यहाँ पे ना 4, 5, 6, 7 इस तरह से बहुत सारे रेट मिल जाएंगे। और जैसे ये है 90 रुपए दर्जन, 96 रुपए दर्जन के रेंज में है। ओके, 90 रुपए दर्जन, यानी कि ये कितने रुपए पीस हो गए सर? ये 7.5 रुपए, 7.5 रुपए। देखिए यहाँ पे ना ये सब एक ही रेंज के है सर? नहीं, अलग अलग रेंज के हैं, ठीक है। और इसका क्या है सर? इसमें ये 84 रुपए दर्जन है, 84 रुपए दर्जन। तो ये कितने रुपए पीस पड़ेगा? 7 रुपए पीस, 7 रुपए, ठीक है। और ये वाला थोड़ा सा अच्छा दिखा है सर, ये कितने रुपए पीस है सर? ये 96 रुपए दर्जन है, 96 रुपए दर्जन, यानी कि 8 रुपए पीस, 8 रुपए पीस, ठीक है। ये मगरमच्छ है या डायनासोर है? डायनासोर है जी, डायनासोर। 324 रुपए दर्जन, कितने रुपए दर्जन? 324, तो कितने रुपए पीस हो गए सर? 27 रुपए, 27 रुपए पीस हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे ना आप देख लीजिएगा 2, 4, 6, 8, 10 रुपए जो है यहाँ पे आपको बहुत सारी पिचकारी इस तरीके से मिल जाएंगे। हालांकि अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा ऊंचे रेंज की तरफ, जो कि देखिए कुछ इस तरीके का है, और इससे ऊंचे थोड़ा सा हम बढ़ते हैं तो ये देखिए यहाँ पे जो है, इसे कौन सा पिचकारी कहते हैं सर? ये टैंक है, टैंक है। ओके, ये बच्चा पीछे टांग के और जो ना पानी भर के और उसे जो ना, ठीक है। और ये कितने रुपए पीस है सर? ये 105 रुपए, 105 रुपए पीस है, ठीक है, इस तरीके से। और हम एक यहाँ देख लेते हैं सर, ये वाला जो है ना, ये जो दिखाई दे रहा है डॉल वाला, ये कितने रुपए सर? 120 रुपए, देख सकते हैं काफी प्यारा है। और इसी के साथ हम यहाँ पे आ जाते हैं, ये वाला देखिए, ये कितने का सर? ये हाँ 180 रुपए, 180 रुपए का, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे जितना हैवी होगा
बढ़ेगा उस हिसाब से जो है रेंज भी यहाँ पे बढ़ेगा। तो चलिए अब हम आगे की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं और देखिए काफी जो है यहाँ पे डिजाइन बनाया गया है आगे गाड़ी के अलग अलग डिजाइन है। ये देखिए सर ये पर जो हमें ये इसका बताया थोड़ा सा सर 120 रुपए पीस पड़ेगा सर प्रेशर में। कितने 120 रुपए का पीस प्रेशर में। प्रेशर में ओके प्रेशर में है 120 रुपए जो प्रेशर में है ये और ये 55 रुपए प्रति पीस है। 50 रुपए प्रति पीस पड़ने वाला है ठीक है काफी प्यारा है। और ये भैया यहीं पे आपको मिल जाएंगे और पूरी हेल्प करेंगे ये सब इनकी पूरी टीम है। और ठीक है हम यहाँ पे देख लेते हैं तो स्कूल बैग टाइप का है ना। टैंक है ये सर जितने भी टैंक है। और ये कितने का है सर 200 रुपए का। देखिए ये काफी बड़ा है इसलिए 200 का है। और हम यहाँ पे आ जाते हैं तो ये भी टैंक है टैंक के साथ पिचकारी। ये कितने का है सर कौन सी ये 200 रुपए का। अच्छा ये भी 200 का है। और एक यहाँ देख लेते हैं ये वाला 120 रुपए का ठीक है। और इसके साथ हम 110 रुपए का ठीक है। हालांकि आपको जो है इसी तरीके का मिल जाएगा। तो अब हम यहाँ से ना बढ़ते हैं अगले रेंज की तरफ जो कि होगा गुलाल का। गुलाल के बारे में थोड़ा सा बताएं सर कि कम से कम जो गुलाल शुरू है 25 रुपए किलो से स्टार्ट है वैसे गुलाल में। हाँ जी अलग अलग कंपनी का अलग अलग रेट अलग अलग है। और टोटल के जो होंगे सर सैंपल आपके सामने लगे हुए हैं सर ठीक है ओके ये सब सैंपल है। तो इसका क्या पड़ता है सर 120 रुपए का। कितने पीस है सर ये 10 पीस का डब्बा आता है 10 पीस का यानी 12 रुपए पड़ने वाला है। हाँ जी सर। और ये बिकता कितने का है सर 30-40 रुपए का पीस बिकता है। 30-40 रुपए बिकता है ठीक है। और यहाँ पे हम देख लेते हैं छोटा सा डब्बा देखिए इस तरीके का गुलाल का पूरा डब्बा है रंग का डब्बा है सॉरी 40 रुपए डब्बा पड़ेगा 40 रुपए का डब्बा। और कितने पीस है सर 10 पीस 10 पीस से 4 रुपए और इसे इजी जो है 10 रुपए सेल कर सकते हैं ठीक है इस तरीके से। और 18 रुपए का डब्बा है 18 रुपए का डब्बा है 10 पीस का 10 पीस का है 10 रुपए बिकता है एक पीस 10 रुपए पर पीस बिकता है। और पर पीस कितने रुपए पर गया 18 रुपए 10 पीस है ओके तो 1.80 रुपए पर गए ठीक है ना। और ये 10 रुपए कह रहे हैं भैया सेल होता है यहाँ पे ना। इसी तरीके से जो है आपको बहुत सारी गुलाल का जो है ऑप्शन मिल जाता है। थैला है थैले के अंदर है। कितने पीस होते हैं सर इस थैले में 100 पीस का थैला होता है 100 पीस का थैला। और कितने का होता है सर 200 रुपए का है यानी 2 रुपए पीस पड़ने वाला है 2 रुपए पीस पड़ने वाला। ओके देखिए इतना बड़ा है 2 रुपए पीस पड़ने वाला है और इसे जो है आप 10 रुपए सेल कर सकते हैं बड़ा है क्योंकि ये गुलाल है या रंग है सर गुलाल है ना भैया रंग है रंग है ओके रंग है। और ऊपर गोदाम भी है इनका। बाकी आपको जो है थोड़ा सा लोकेशन और ओवर भी दिखा दूं। हाँ किस तरीके का है देखिए कुछ इस तरीके का है ठीक है। और हमें ना सर आप दिखाए थे कि बाल भी मिल जाता है तो बाल एक बार दिखाएं सर ठीक है। ये देखिए ये बाल है थोड़ा सा दिखाएं कितने का होगा ये 900 रुपए दर्जन है 900 रुपए दर्जन 70 रुपए पीस पड़ेगा 75 रुपए पीस 55 रुपए एक बार सर पहन के दिखाएं अलग अलग क्वालिटी अलग अलग रेट है थोड़ा सा सर एक बार पहन के दिखाएं। अरे रख ले सर पे रख ले कोई नहीं कोई बुरा थोड़ा लग रहा है भैया थोड़ा शर्मा रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं आपकी शादी के लिए नहीं जा रहा ये वीडियो देखिए कमाल का है 75 रुपए पीस ना ठीक है इस तरीके से ओके इसी तरीके से है जो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। और ये कितने का सर 50 रुपए पीस है यहाँ पे ओके। बाकी सर का एड्रेस नंबर जो है हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे डिस्क्रिप्शन में। और ये देखिए पहन लो भैया यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है वाह गजब लग रहा है लेकिन डर लग रहा है ठीक है। और कितने का है सर ये 240 रुपए दर्जन है 240 रुपए दर्जन यानी कितने रुपए पीस है सर 20 रुपए प्रति पीस पड़ने वाला है ओके। और इसमें और भी डिजाइन आते हैं सिर्फ आँख पे लगाने के लिए 2 रुपए का भी आता है ओके देखिए 2 रुपए का भी पीस आता है ये 2 रुपए वाला है। इस तरीके से जो है बहुत सारे मिल जाएंगे डिजाइन ठीक है। और भैया आँख पे लगाने के लिए जो आता है सिर्फ चश्मा वगैरह हाँ वो भी मिल जाएंगे। अच्छा वो सब भी मिल जाएंगे गोदाम में है ठीक।